आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ एक विष्णुप्रिया मणिपुरी वेज रेसिपी। तो इसके लिए मुझे लगेगा बहुत सारी सब्जी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बैंगन, तुरई, टमाटर, बीन्स, पम्पकिन, परवल और आलू। आपके पास जितना भी समर का सब्जी है वो ले सकते हो, अवेलेबल सब्जी है। लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हो आप, मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पर लिया है मैंने वरी। वरी इस रेसिपी में ज़रूर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लेके, और आँच को पूरा धीमी करके फ्राई करूँगी, नहीं तो ये जल्दी से जल जाता है। इसलिए ये रेसिपी पूरी वेजी होगा। यहाँ पर लहसुन और अनियन नहीं जाएगा इसमें। ये रेसिपी कभी कभी मंदिर में भी भूख के साथ दिया जाता है भगवान को, और आप लोग घर में भी खा सकते हो खिचड़ी के साथ। इसी टाइम तो खिचड़ी बहुत खाया जाता है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, इसीलिए खिचड़ी और ये सब्जी मिलाकर बहुत ही टेस्टी होगा। और ये है नन्ना मणिपुरी स्पाइसेस है, ये घर में होता है। और तेज पत्ता 5 फोरन, और लिया है 200 की मिर्चें। अभी सबको मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा ऑयल देके। और ये देखिए नैनम को मैंने काट लिया है। नैनम को भी तेल में मैं छौंक लगा दूँगी। हम लोग किसी भी वेज रेसिपी में नैनम ज़रूर देते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन डिश में करी पत्ता ज़रूर जाता है, वैसे ही मणिपुरी जितने भी डिश है ये नैनम जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये देने से ही सब्जी में इतना अच्छा फ्लेवर लेकर आता है, बहुत ही अच्छा सैंड भी देता है। तो अभी इसको फ्राई करके मैं सब्जी डाल दूंगी। और ये जो सब्जी है सबको एक साथ मिला के मैं ढक ढक के पकाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जी है, टाइम बहुत जाएगा, इसीलिए ढक ढक के पकाने से जल्दी से पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर, अदरक पेस्ट और मिर्च, बहुत सारी चिलीज। तो अभी ढक्कन को हटा के इस सारी चीज़ों को मैं दे दूँगी। बारी ये मसाले बनाने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी, जीरा, सूखी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से दिया है मैंने। तो इसमें थोड़ा सा पानी देके मैं मिला दूँगी। मैं किसी भी सब्जी में ऐसे ही मसाला मिलाती हूँ, नहीं तो जल जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो देखिए सब्जी आधा पक चुका है, तो इसी टाइम मैं ये मसाला दे दूँगी। मणिपुरी की जितने भी वेज रेसिपीज़ है या नॉन वेज रेसिपीज़ है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। और तेल थोड़ा सा कम खाते हैं हम लोग। तो बस अभी ये सब्जी को मैं मिला दूँगी और ज़रूरत के हिसाब से पानी भी ऐड कर दूँगी। बस इस सब्जी को मसाले के साथ अच्छे से मिला के अभी पानी देके बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए। तो देखिए थोड़ी देर बाद बॉईल आ चुका है और हमारी सब्जी भी पक चुका है। तो इसी टाइम मैं वरी को ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था।
आप लोग गरम मसाला नहीं दे सकते हो, लेकिन गरम मसाला देने से जो लहसुन का जो फ्लेवर है वो चला जाता है, इसलिए मैंने गरम मसाला नहीं दिया। गरम मसाला नहीं देने से भी चल जाता है। तो बड़ी को अच्छे से हाथ से ही मैं तोड़ दूँगी, तोड़ के दे दूँगी। बस सब्जी तैयार है। तो इसी टाइम थोड़ा सा घी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ये मंदिर में पूजा में भूख के साथ जाता है, और नहीं तो आप लोग घर में भी दे सकते हो। घी देने से और एक अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छा भी लगता है, पूजा फीलिंग्स आता है। बस हो गया सब्जी रेडी। तो आज की रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर। वैसे ही नए नए डिफरेंट अच्छा रेसिपीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।